हेलो 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 दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक खतु गेमर चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड GTA 5 का। तो आप सबको ये गेम बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से GTA 5। तो इस गेम को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों। ऐसी ही आपके लिए बेहतरीन गेमें हम आपके लिए डेली लेके आते रहते हैं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है खतु गेमर। तो यहाँ से गेम हो चुका है हमारा स्टार्ट। आज देखते हैं कौन सा मिशन मुझे मिलता है। तो मैं हूँ यहाँ पर फ्रैंकलिन और मैं यहाँ पर छुप छुप के इनको ताड़ रहा हूँ, दोनों आंटियों को। खूबसूरत आंटियाँ हैं और मैं कहीं और भी ताड़ रहा हूँ इनको, पर कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों जा चुकी है। और मैं देखता हूँ अब क्या करता हूँ यहाँ पर से। तो स्टार्ट करते हैं इस यहाँ पर से, लेट्स प्ले होले। और मेरा दोस्त आ चुका है। ओ भाई, इतना प्यारा डोगी इसके पास है और बहुत ही ये तगड़ा डोगी लग रहा है। ये हमारा पहला दोस्त है। फर्स्ट मिशन हमने साथ में पार किया था, दोनों गाड़ी चोरी की थी हमने। तो अब हमें इसके साथ करना है मिशन स्टार्ट। और ये हमें बोलने है कि हमें एक लोंडे को करना है किडनैप। तो कोई लोंडा है, हमें उसको किडनैप करके लाना है। और साथ में हमारा साथ देगा ये प्यारा सा डोगी, ये दिखने वाला प्यारा डोगी बहुत ही खतरनाक होने वाला आगे जाके आपके लिए दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ से, करते हैं मिशन को स्टार्ट दोस्तों। तो तब तक हमारे चैनल को लाइक करो और फैला दो फटाफट से, और कमेंट करना मत भूला करो दोस्तों। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको गेम कैसा लगा। तो आपको हमारे कमेंट करते रहना है हमारे वीडियो को। तो चलते हैं अपने गैराज में, गाड़ी लेके आते हैं पहले फटाफट, और करते हैं लोंडे को किडनैप और कमाते हैं ढेर सारे पैसे। और ये है हमारी वैन जिसमें हम जाएंगे उस लोंडे को ढूंढने के लिए, और देखते हैं कहाँ मिलेगा लोंडा। पीछे बैठा देते हैं अपने डोगी को। भाई डोगी हमारा बहुत ही समझदार डोगी है, और चला गया अंदर और कर दिया मैंने गेट बंद, और करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। और उसके बाद चलते हैं लोंडे को पकड़ने के लिए और किडनैप करते हैं और मांगते हैं फिरौती की रकम उसके बाप से। तो भगा दिया मैंने अपनी वैन, अब देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें। ओ भाई मेट्रो आ रही है जमीन के ऊपर से, माने रोड पे ही मेट्रो चल रही है यहाँ पर। चलते हैं लोंडा कहाँ मिलता है पता नहीं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। ज़्यादा दूर तो लोकेशन बता नहीं रही है मैप में। और वैन चलाने का भी अलग ही मजा है GTA 5 में। कारें आपने चलाई रखी होगी, वैन चलाने का अलग ही मजा है, फील आता है बिल्कुल गाड़ी का, ओरिजिनल गाड़ी चलाने का फील। ढूंढते हैं फटाफट से कहाँ पर छुपा है जिसको हमें किडनैप करना है। Trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs. और हम दोनों की पता नहीं क्या बातें चल रही है गाड़ी में। बहुत ही, ओ भाई गाड़ी सही से चलाया करो, ठुक ठुक जाती है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। गाड़ियाँ चलानी नहीं आती है लोगों को यहाँ पर, मुझे ही आती है गाड़ी चलानी। मैं बिल्कुल राइट वे में गाड़ी चलाता हूँ और ये बिल्कुल रॉन्ग वे में गाड़ी चलाते रहते हैं सब के सब। और मुझे भगानी है गाड़ी फटाफट से और पहुँचाना है। और कैंप में कोला की गाड़ी जा चुकी है यहाँ पर सामने से, और हमारा कुत्ता भी भौंक रहा है अंदर गाड़ी के अंदर ही अंदर, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ तसल्ली से। और शायद से हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ओ भाई फोरन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही बुढ़े को, और यहाँ लगा देता हूँ मैं अपनी गाड़ी। ओ भाई ये है वो लोंडा, उस लोंडे को ढूंढ ढूंढ के हम थक गए। अरे लोंडियाबाजी कर रहा है यहाँ पर, लोंडियाबाजी कर रहा भाई साहब। नकाब पहन लेते हैं, नहीं तो पहचान लेगा। नकाब पहन लिया हमने और बढ़ते हैं इस लोंडे की तरफ। भाई इसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, पर इसके साथ होने वाला बहुत तगड़ा, और होने वाला ये किडनैप हमारी गिरफ्त में। भाई अकड़ अकड़ देखो लोंडे की, बिल्कुल भाई लोंडिया बिल्कुल कतई जहर है लोंडिया। बहुत बोल रहा है, इसके लिए अपना गन बारूद निकालनी पड़ेगी। अब बोल बेटा अब क्या करेगा। ओ भाई इसने गाड़ी भगा ली और ये भाग चुका है बहुत ही तेजी से। भाई साहब गन देख के भी डर रहा। ओ भाई कितनी तेजी से भगा दी इतनी धूम थ्री वाली बाइक, और मुझे फटाफट से वैन में बैठ के इसका पीछा करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसको। तो मैंने भी निकाल दिया वैन, और मेरा कुत्ता भी हो चुका है पागल इसके लिए, और इसका खून का प्यासा हो गया है मेरा ग्रोगी भी, और ये खा के रहेगा इसको, मान के रहेगा आज किसी भी हालत में। और मुझे ढूंढना है इसको फटाफट से, पता नहीं गाड़ी उसकी कहीं दिख नहीं रही है दूर दूर तक।
भाई बाइक बाइक है तो पता नहीं कितनी, वो साई वो आगे जा रही है बाइक, बहुत ही तेजी से भगा रहा है वो, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पकड़ लूंगा इसको। भाई वेन इतनी तेज से भाग रही है, देखो आप भाई साहब, इसने गाड़ी ठुकवा दी है सामने वाले ने, गाड़ी चलाने नहीं आती, इंडिकेटर भी नहीं दे रहे हैं लोंडे। बिल्कुल बिल्कुल तेजी से भगानी पड़ेगी गाड़ी इसके पीछे। ओ भाई बहुत तेजी से चला रहा है, धूम थ्री नहीं धूम फोर बना देगा ये बाइक चला के, और मैंने बना दी है, बना देनी है 10 बहाने करके ले गए दिल वाला, वही वाली जीप चल रही है इसमें अमिताभ बच्चन वाली, ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ आज। कोई नहीं मैं पकड़ लूंगा इसको, और इसकी फिरौती की रकम तो मांगने वाला हूँ उसके बाप से मैं, इतनी दूर तक भागेगा बेटा। भाई साहब कट बहुत ही तगड़े कट कट मार रहा है भाई कहीं से भी। ओ भाई लोंडा मार दिया था मैंने, बच गया पर लोंडा। ओ भाई नहीं मार ही दिया मैंने, क्योंकि जरूरत नहीं है देश को उसकी, तो लोंडा भी मैंने एक मार दिया है, पुलिस कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए इसके चक्कर में। ओ भाई एक्सीडेंट हो चुका है उसका, भाई एक्सीडेंट हो चुका है, उठा लेता हूँ फटाफट से उसको, मैंने दे दिया धक्कल माइकल सॉरी फ्रैंकलिन को। ओ भाई कुत्ता निकाल लिया है मैंने बाहर। ओ भाई भाग गया वो, भाई साहब एक्सीडेंट होने के बाद भी भाग चुका है आगे की तरफ। कोई नहीं मेरा कुत्ता पकड़ लेगा, बहुत ही तेज और खूंखार कुत्ता है मेरा, दूर दूर की खुशबू भी सूंघ लेता है, बदबू तो क्या ही बोले हर जगह। ओ भाई कूद चुका है पल्ली साइड को, और मुझे निकलना है, डॉगी मेरा जा चुका है आगे की तरफ, मैं भी कूद चुका हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, बहुत ही कुत्ते की मौत मारूंगा इसको अभी। ओ भाई मेरा डॉगी बिल्कुल तगड़ा है, और मैं भी गाड़ी को पार करके निकल रहा हूँ, साइड से नहीं निकल पा रहा हूँ, और मुझे ओ भाई गेट तोड़ दिया मैंने कुत्ते के लिए भी, वो आगे को भाग चुका है ट्रक के आगे, मुझे फटाफट से निकालना है उसको, बचा पकड़ना है किसी भी हालत को। ओ भाई गिर गया वो भी, भाई थोड़ी दूर और मेरे डॉगी उसके माने मेरे डॉगी के कब्जे में होगा वो। ओ भाई इस गाड़ी में चल चुका है, चलती गाड़ी में। ओ भाई मैं बहुत पीछे रह चुका हूँ, मुझे लगता नहीं ये पकड़ा पाएगा, कोई बात नहीं मैंने कुत्ते को भेज दिया है, कुत्ता कुछ ना कुछ तो करेगा। ओ भाई ट्रेन छूट चुकी है, वो जा चुका है बिल्कुल आगे की तरफ, ज़्यादा तेज नहीं जा रही है ट्रेन, मैं आराम से पकड़ सकता हूँ उसको ऐसे तो, और ट्रेन रुक चुकी है भाई, भाई ट्रेन रुक चुकी है, पर वो बंदा पता नहीं कहाँ छुप गया है, इसके अंदर तो नहीं है कहीं, देख लेता हूँ एक बार, इसको उठा के देख लेता हूँ, वो लगता नहीं इसके अंदर होगा क्योंकि वो तो गाड़ी में बैठा हुआ था, इसके अंदर नहीं है, आगे की तरफ जाता हूँ। भाई कुत्ता बदबू कहीं सूंघ नहीं पा रहा, इसी के भरोसे हूँ मैं, इसको उठा के भी देख लेता हूँ कहीं इसके अंदर ना हो, मुझे लगता नहीं इसके अंदर भी है क्योंकि कुत्ता आगे की तरफ हो चुका है, ये भी खाली है कंटेनर, और मैं ढूंढ के रहूंगा इसको, और डोगी कहीं तो बदबू सूंघ रहा है कुछ तो उसकी आ रहा है महक में, देखते हैं कहाँ मिलेगा। डोगी को कोई बदबू तक नहीं आ रही भाई, वो आराम से घूम रहा है मजे में, भाई पार्क में नहीं घूम रहा है, मैं ढूंढना है उसको फटाफट से ढूंढ। भाई बहुत ही सुस्त और लुंड कुत्ता है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है इसकी बस। ओ भाई तेजी से भाग तो चुका है, पता नहीं क्या करने जा रहा है भाई, इस कुत्ते को जुनूने काट रहे हैं यहाँ। ओ भाई ये क्या क्या कर क्या रहा है, ये तो अपने बिरादे के बंदे को ठोक रहा है ढंग से, कुत्ते को ही कुत्ते के साथ क्या कर क्या रहा है, इसको करना पड़ेगा साइड। गलत बच्चे लड़की नहीं है ये, लोंडा है ये तेरी तरह, कुत्ता है ये, कुतिया नहीं, चल निकल ले काम पे लग जा। ओ भाई साहब ऐसे ऐसे कुत्ते हो चुके हैं, पहले इनको हवस की प्यास बुझानी है उसके बाद काम कर रहे हैं। अब ढूंढ ले भाई, अब तो तूने कर भी लिया है भाई, बहुत ही लुंड और कुत्ता है ये, यहाँ देखता हूँ, मुझे लग रहा है शायद से यहाँ हो सकता है इसके अंदर। ओ भाई साहब मिल गया है मुझे, और पकड़ लेगा मेरा कुत्ता इसको, फटाफट से पकड़ इसको और काट दे इसके पैर। भाई भाग चुका है फिर से, कहीं छूट ना जाए फिर से हाथ से, अब कुत्ता ही है जो इसको पकड़ पाएगा। ओ पकड़ लिया है मेरे कुत्ते ने और काट लिया है इसके हाथ को, भाई साहब सही कर दिया है, रेबीज की बीमारी हो जाएगी इसको, तड़प तड़प के मरेगा कुछ दिनों बाद ये। पकड़ लिया यार, आ चुकी है मेरी वैन, इसको डालते हैं फटाफट अंदर और मांगते हैं फिरौती की रकम इसके बाप से। ओ भाई इसको मुंह छुपाना पड़ेगा, इसका नकाब
सॉरी जो भी है इसका रुमाल वगैरह गिर चुका है कहीं पर। कुत्ते को मैंने लगा दिया इसकी देखभाल करने में, भाग नहीं सकता अंदर से अब। ओ भाई कितना डरा हुआ है कुत्ते को देख के। और फटाफट से भगाते हैं गाड़ी को और मांगते हैं फिर होती की रकम इससे। भाई पकड़ लिया फाइनली करके हमें, बहुत ही मुश्किल में और बहुत ही मुश्किल करके, पर हमने पकड़ लिया आखिरकार इसको। और गाड़ियां ठोक दे रहे हैं भाई, गाड़ियां चलानी नहीं आती लोगों को यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं, हमें बिल्कुल गाड़ी चलानी आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सामने मैकडोनल्ड्स भी है, कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। निकल लेता हूँ फटाफट। ओ भाई एक गाड़ी और ठुक चुकी है मेरे हाथ से और सारे अच्छी से उसके, भाई कुछ बोल के भी नहीं जा रहा, उसे पता है गलती है उसकी, तो साइड निकल गया खुद ही, गलती होती है बंद। और कॉल कर दिया है मैंने फटाफट से फिर होती की रकम मांगने के लिए। ओ भाई इसने अपने फोन से ही फोन कर दिया, पुलिस हमें ट्रैक कर लेगी अब। बहुत ही क्या चूतिया किस्म का आदमी है, इसने खुद ही अपने फोन से कॉल कर दिया है, अब तो हमें पकड़ लेगी पुलिस, ऐसे में हमारी लोकेशन जान लेगी। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी भाई फटाफट से, और इसका फोन भी फेंकना पड़ेगा भाई। फेंक दिया मैंने इसका फोन, अपने फोन से फोन करने की क्या जरूरत थी मुझे समझ नहीं आ रही है। अब मुझे इस चोर की भी जरूरत नहीं, इसको भी भेजना पड़ेगा नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। और मैं निकल लेता हूँ फटाफट से यहाँ पर से, नहीं तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। भाई साहब मैंने फोन भी फेंक दिया है, नहीं तो अभी पकड़े जाता किसी भी हालात में हम। अब इसको इसके घर में छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत लगी मुझे इस चोर को पकड़ने के लिए, सॉरी फिरौती की रकम मांगने के लिए, और इसने पूरा पानी में चौपट कर दिया है, घोटाला कर दिया है। और मैं लेके आ चुका हूँ उसके घर के सामने, और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ खा रहा है मेरे हाथ से। और अपने डोगी को ले जा भाई, तेरी डोगी की जरूरत नहीं है, आधे चलते कुत्ते के साथ तो ये सेक्स कर रहा है। तो दोस्तों हो चुका हमारा ये मिशन भी कंप्लीट यहाँ पर। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करके रखें हमारे वीडियो को दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, टाटा, बाय बाय।